नमस्ते दोस्तों, मैं मीनाक्षी जैन सासू माँ की रसोई में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टी मीठी चटनी यानी कि सोट। हमारी दिल्ली की फेमस आज हम ये सोट बनाने जा रहे हैं। ये मैं दो तरीके से बनाऊंगी, एक में मैंने डाले हैं ड्राई फ्रूट्स, एक में डाले हैं मैंने फ्रूट्स। तो दिखाती हूँ मैं आपको इसका टेक्स्चर कैसा है। ये देखिए, ये हमारी ड्राई फ्रूट्स वाली खट्टी मीठी इमली की चटनी, ये देख सकते हैं कितना सुंदर कितना अच्छा कलर आया है। दूसरा है ये फ्रूट वाली चटनी। तो जो ये फ्रूट वाली जो सोट होती है हमारी दिल्ली में बहुत फेमस है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये हमने इमली के बीज निकाल के हमने इसको भिगो देंगे। इसको गर्म पानी में भिगोएंगे तो ये थोड़े जल्दी भीग जाएगी, करीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे। और अगर हम नॉर्मल पानी में भिगोते हैं तो कम से कम आधे से एक घंटा आप इसको भिगो के रखें या ओवरनाइट। ये देखिए, अभी मैं इसको तकरीबन 10 मिनट भिगोंगी और इसका मैं टेक्स्चर दिखाती हूँ कि 10 मिनट में फटाफट कैसे बन जाएगी आपकी ये चटनी। ये देखिए, 10 मिनट ही गर्म पानी में डालने के बाद ये कितनी अच्छी तरह फूल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार लेंगे और इसको हम इसके अंदर डालेंगे। लेकिन उसके लिए आप पहले क्या करें, एक बार देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि बीज निकालने के बाद भी रह जाते हैं, तो इस तरह का बीज हो तो वो निकाल दें और इसको अच्छा फाइन आप पीस लें। ये देखिए, ये पीस के तैयार हो गई है। कितना अच्छा इसका टेक्स्चर आया है, देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट बनी है। अब आपको क्या करना है, एक छलनी लेनी है और उसको छान लेना है। इसके अंदर काफ़ी सारे रेशे आते हैं, छानने से वो सारे रेशे अलग हो जाएंगे। और अभी आप क्या करें, इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए ताकि ये इजी छन सके और हमको इसका पल्प मिल सके। अभी आपको मैं एक टिप और बताती हूँ, ऐसा पल्प जब आप निकालते हैं तो इसको पका के स्टोर करके रख लीजिए, और कभी भी आप दाल वगैरह बनाते हैं तो उसमें आप एक चम्मच डाल दें तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, जो ये हमारा छानने के बाद निकला है इसको आप फेंक दीजिए। और अब हम इसको पकाएंगे, पकाने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी और ढलेगा। और अब हम इसको गैस पे रखते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अब हम इसको पकाएंगे। और अब हम डालेंगे इसके अंदर गुड़ और चीनी। जी हाँ, हम यहाँ पर गुड़ और चीनी दोनों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गुड़ से क्या होता है कि जो ये चटनी बनती है ये काले रंग की बनती है, और अगर हम चीनी डाल देंगे तो उसका कलर थोड़ा सा रेड आता है। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी चीनी और एक कटोरी गुड़ का प्रयोग करा है। आप एक चीज़ भी डाल सकते हैं, खाली चीनी भी डाल सकते हैं, खाली गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ों का प्रयोग करा है। और अब हम इसको अच्छी तरह उबालेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह इसमें उबाल आने चाहिए, और जैसे जैसे ये मेल्ट होती रहेगी इसका कलर डार्क होता रहेगा, यानी कि रेड कलर आ जाएगा। अभी आपको ब्राउन लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे चीनी और गुड़ मेल्ट होगा वैसे वैसे इसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। हमको बहुत अच्छी तरह इसको गुड़ और चीनी को मेल्ट कर देना है। और आपको जितना पानी डालना है पहले ही डाल दें, पकाने के बाद पानी डालते हैं तो वो जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। अब हम डालेंगे आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच नॉर्मल जो अपना खाने वाला नमक, यहाँ डालेंगे आधा चम्मच सोल्ट पाउडर, अदरक भी डाल सकते हैं कस के आप, यहाँ डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और आधा ही चम्मच हम यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। अभी मसाले पूरे नहीं हुए, जो दिल्ली वाली चटनी बनती है उसमें और भी मसाले डलते हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। अभी हमने इतने ही मसाले डाले हैं। और मसाला डालने के बाद इसको अच्छी तरह से एक बार पका लें। अब हम डालेंगे इसके अंदर किशमिश, किशमिश का बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और अब हम डालेंगे रोस्ट करे हुए हमारे काजू, और ये खरबूजे या बादाम, खरबूजे या तरबूज के आप गिरी डालें, लेकिन हल्का सा रोस्ट करके डालें तो क्या लॉन्ग टाइम ये अच्छी चलती है, हम स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है हमारी रोस्ट करने से। ये देखिए कितना अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए कलर भी हमारा बहुत ज़ोरदार आया है। और ये हमने डाला है यहाँ पर भुना हुआ जीरा और ये सौंफ पाउडर। जी हाँ, दरदरी जो सौंफ होती है इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और दो चुटकी आपको डालना है यहाँ पर हींग। ये हमारे तीनों सीक्रेट मसाले थे, ये ज़रूर डालें। इससे आपको, अगर आपने दिल्ली चाट खाई हो तो बहुत ही बढ़िया इसका जो फ्लेवर आता है, ये सोट की वजह से ही दिल्ली चाट का अच्छा फ्लेवर आता है। कभी भी दिल्ली चाट बनाए तो आप ये वाली सोट ही बनाएं, इससे बहुत ही अच्छा आपका चाट में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए, अब इस ये डालने के बाद आपको एक उबाल लेना है। एक उबाल लेने से क्या होगा कि सारे मसाले जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब आपको इसको ठंडा करने के लिए रखना है। अभी आपको एक से दो बार और चलाएं ताकि वो नीचे लगे नहीं, गैस हमने बंद कर दी है, फिर भी आपको एक बार चलाना है और इसको ठंडा करना है। और मैं देखिए, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितने अच्छे, ड्राई फ्रूट्स कितने अच्छे आ रहे हैं इसके अंदर।
हमारे काजू, किशमिश, खरबूजे की गिरी बहुत ही बढ़िया बनके हमारी सोट तैयार हुई है। अभी मैं ठंडा होने के बाद बताती हूँ कैसा टेक्सचर आया है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर और कितने हमारे ड्राई फ्रूट जो है सारे दिख रहे हैं हमारे, और आप देख सकते हैं कि एकदम जैसे बाजार में हम खाते हैं वही वाला टेस्ट आया है। और बहुत ज़्यादा गाढ़ी कर देंगे ना तो बाद में भी गाढ़ी हो जाएगी, तो आप थोड़ा ध्यान रखें कि पहले हल्का पतला ही रखें, क्योंकि ठंडे होने के बाद थोड़ी सी गाढ़ी ये होती है। ये देखिए ये हमारी बन गई पहली और सोट, और दूसरी सोट में बताती हूँ कि इसी सोट से हमको दूसरी सोट कैसे पकाना है। अब वॉल स्टेज पे आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन ये देखिए हमने डाले यहाँ पर अंगूर और केले, आप यहाँ पर अनार भी डाल सकते हैं। अब जब आप ये अंगूर और ये डाल देंगे केले, तब आप इसको ज़्यादा देर नहीं रख सकते, यानी कि 24 से 36 घंटे ही ये वाली सोट चलती है। यानी कि जो मैंने आपको पहले बताई है वो चटनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन केले और अंगूर की जो चटनी है इसको आप स्टोर नहीं कर सकते। इसको जब आपको खानी होती है उससे पहले ही आपको डाल के तैयार करनी है। जैसे कल मेहमान आ रहे हैं तो आज आप रात को बना के रख सकते हैं, नहीं तो जिस दिन आ रहे हैं उसी दिन आप ये सोट बना के तैयार करें। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी सोट बन के तैयार हुई है। दिल्ली में इसी तरह से सोट बनाई जाती है, एक बार आप इस तरह से बना के जरूर देखिएगा। ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारी एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है, ना गाढ़ी ना पतली। ये है ड्राई फ्रूट्स वाली चटनी। ये देखिए मैं एक बार आपको इसको प्लेट में भी डाल के दिखाती हूँ कि कोई भी चाट के ऊपर अगर आप ये ड्राई फ्रूट्स वाली चटनी लगाते हैं, फ्रूट्स वाली चटनी लगाते हैं, तो उसका टेक्सचर अलग ही हो जाता है, खाने का मज़ा अलग ही आ जाता है। ये देखिए दिख रहे हैं आपको अंगूर, किशमिश, काजू और ये हमारे केले, कितना अच्छा इसमें इसका टेक्सचर आया है। बहुत ही बढ़िया हमारी बनके तैयार हुई है और सबको बहुत पसंद आती है। एक बार आप लोग भी इस तरह से बना के देखिए। और मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी चीज़ मैं बनाऊं तो उसमें थोड़ा सा हेल्दी वर्जन ज़रूर लेके आऊं, जैसे कि मैंने इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए, फ्रूट्स डाल दिए, है वही सूट लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने इसको हेल्दी रूप में दे दिया। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।